32 साल बाद खुला राज क्यों सैफ अली खान और अमृता सिंह ने लिए थे गुपचुप फेरे? आखिर क्यों किसी को नहीं होने दी थी सीक्रेट शादी की खबर? अबू टाइगर पटौदी और अम्मी शर्मिला को भी नहीं पड़ी थी सैफ की सीक्रेट वेडिंग की भनक? तलाक के बरसों बाद सामने आई सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी को जमाने की नजरों से छिपाने की वजह? यूं तो सैफ अली खान और अमृता सिंह आज से 32 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि इनके तलाक को भी 19 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी सैफ और अमृता की शादी और तलाक के किस्से चर्चा बटोरते रहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि 90 के दौर में जब सैफ अली खान और अमृता सिंह ने अचानक अपनी शादी की खबर जमाने को सुनाई थी, तब हर कोई हैरान रह गया था। सैफ अमृता की प्रेम कहानी की खबरें तो जमाने की नजरों से छिप नहीं पाई थी, लेकिन किसी को कानो कान भी इनकी शादी की भनक नहीं लग पाई थी। यहाँ तक कि सैफ के अम्मी अब्बू नवाब मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर भी अपने छोटे नवाब की शादी की खबर से पूरी तरह अनजान थे। ऐसे में जब अचानक सैफ और अमृता ने अपनी शादी का ऐलान किया था, तब इनके सीक्रेट वेडिंग को लोग हजम नहीं कर पाए थे। हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि आखिर दोनों ने सीक्रेट वेडिंग क्यों की? जब दोनों ने डंके की चोट पर इश्क फरमाया तो फिर शादी के लिए सीक्रेट रास्ता क्यों अपनाया? आज भी लोगों की जुबान पर यही सवाल रहता है कि आखिर इनके गुपचुप शादी करने की क्या वजह रही होगी। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान और अमृता के गुपचुप शादी करने का कारण था दोनों की उम्र के बीच 12 साल का फासला। जी हाँ, दोनों का एज गैप इनकी सीक्रेट वेडिंग की बड़ी वजह बना था। दरअसल साल 1991 में जब सैफ अली खान ने खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह के साथ गुपचुप शादी की थी, उस वक्त सैफ की उम्र सिर्फ 21 साल तो वहीं अमृता 33 साल की थी। नहीं, अमृता उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी जबकि सैफ का फिल्मी करियर तो शुरू भी नहीं हो पाया था। सिर्फ 3 महीने की डेटिंग के बाद ही सैफ और अमृता का प्यार यूं परवान चढ़ा था कि दोनों हर हाल में एक होना चाहते थे। ऐसे में उन्हें डर था कि कहीं उनका परिवार इस रिश्ते को कबूल ना करे। ऐसे में दोनों ने किसी को बिना खबर दिए गुपचुप शादी करने का फैसला ले लिया था। बता दें कि अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुद सैफ ने बताया था कि शर्मिला टैगोर दोनों की डेटिंग के बारे में जानती थी और उन्हें शक भी हुआ था कि कहीं सैफ शादी को लेकर तो नहीं मन बना चुके। ऐसे में उन्होंने बेटे को समझाते हुए शादी ना करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उस वक्त सैफ इतना पक्का इरादा कर चुके थे कि उसके सिर्फ 2 ही दिन बाद उन्होंने अमृता से गुपचुप ब्याह कर लिया था। वहीं सैफ और अमृता की शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने भी अपना रिएक्शन दिया था। मीडिया ने सैफ की शादी कंफर्म करने के लिए शर्मिला को फोन किया था, तब बेगम पटौदी ने अपने जवाब से सभी को चौंका दिया था। सैफ की शादी पर रिएक्ट करते हुए शर्मिला ने कहा था कि उनकी शादी हो चुकी है लेकिन मैं उनकी शादी में शामिल नहीं हुई हूँ, जबकि मैं उस वक्त मुंबई में ही थी। शर्मिला ने साफ कर दिया था कि इस शादी की खबर सैफ ने उन्हें भी नहीं दी थी। इसके साथ ही शर्मिला ने ये भी कहा था कि सैफ अली खान ने शादी में काफी जल्दबाजी की है। रिपोर्ट E24।